फॉर्मूला में रुक, पहला है जो फॉर्मूला है अपना एड्रेस का है। एड्रेस क्या करता है, एड्रेस के फॉर्मूला में जो है दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, रो नंबर और कॉलम नंबर। जब यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर दे देंगे तो वो आपका एड्रेस बना देता है। ठीक है जी, मैं जैसे कह देता हूँ कि सेकेंड रो नंबर और फर्स्ट कॉलम, इसका एड्रेस क्या होगा, तो एड्रेस के फॉर्मूला से एड्रेस ले सकता हूँ। जैसे रो नंबर में मैंने ये रेफरेंस सिलेक्ट कर दिया और कॉलम नंबर में मैंने ये रेफरेंस सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये डायनेमिक एड्रेस क्रिएशन करता है। ठीक है जी, अगर थर्ड रो नंबर कर देता हूँ तो A3 बन गया, सेकेंड रो नंबर कर कॉलम नंबर कर देता हूँ तो B3 बन गया। इस तरीके से ये रेफरेंस क्रिएट करता है। जैसे कि हम इक्वल टू डाल के यहाँ पे A1 B1 डायरेक्ट रेफरेंसेस को यूज करते हैं, ये आपका डायनेमिक रेफरेंस बनाता है इन नंबर्स के थ्रू। ठीक है जी, इसकी जरूरत क्यों कब पड़ती है, कई बार हमें ना डायनेमिक रेफरेंस चाहिए होते हैं जो फॉर्मूला से बनाने होते हैं अपने आप से, तो आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इक्वल टू करके चाहूं कि B3 इससे यूज करना चाहूं तो नहीं यूज होगा। ठीक है जी, B3 का मतलब है कि जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी है वो इसमें आ जानी चाहिए। ठीक है जी, तो ये रेफरेंस तो यूज नहीं हो रहा, ऐसे C2 यूज हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास इनडायरेक्ट का। ठीक है जी, जो किसी भी टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने रेफरेंस यहां से चूज कर लिया, यहाँ जो रेफरेंस आ रहा है उसको रेफरेंस में, एक्चुअल रेफरेंस में कर दें, जो टेक्स्ट आ रहा है उसको एक्चुअल रेफरेंस में कर दें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ जा रहा है। अब जैसे मैं फोर्थ रो में इसमें थर्ड कॉलम में कर दूं यानी सी, तो यहाँ जिसका रेफरेंस हो गया अपना C3, तो C3 में कोई वैल्यू डालू तो अब ये वहां, तो डायनेमिकली रेफरेंस चेंजिंग करता है एड्रेस का। और ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, इसका कोई यूज नहीं है, बट बता देता हूँ एरियाज कितने रेफरेंसेस सिलेक्टेड है वो बताता है आपको। अब इसके अंदर मैं जितने रेफरेंस दूंगा ये मुझे बता देगा कि कितनी रेंज सिलेक्ट कर रखी है आपने। तो जैसे चार रेंज सिलेक्ट कर रखी है मैंने, तो चार मुझे रेंज बता रहा है, इसके अंदर चार रेंज अलग अलग, इसका यूज नहीं है वैसे। देन आपके पास आता है चूज। अब चूज का यूज कहाँ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 करके 12 तक, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस नंबर के आगे मुझे जनवरी फरवरी निकालना है, लिखना है। ठीक है जी, तो जनवरी फरवरी ये चूज का फॉर्मूला क्या करता है, इंडेक्स नंबर देता है और उसके बाद जो वैल्यू देंगे वो निकाल के दिखाएगा। मान लीजिए इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी, और उसके बाद जो आप वैल्यू डालते हैं, जैसे ए मैंने डाला, बी डाला, सी डाला। ठीक है जी, तो इंडेक्स नंबर ही है जो वैल्यू वाले दिखा रहा है, वैल्यू 1 2 3, तो जो वाला इंडेक्स डालेंगे वो वाली वैल्यू उठा के दे देगा। अगर मैं 2 डालू यहाँ तो ये मुझे बी रिटर्न कर देगा फॉर्मूला, 3 डालू तो सी रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, इस तरह से अब मैं चाहता हूं कि ये नंबर है इसके साथ ही मेरा जनवरी फरवरी रिटर्न करे। जनवरी फरवरी के लिए फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, तो मैं एक शॉर्टकट मारूंगा क्योंकि वो टाइप करना मैं नहीं चाहता, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह वैसे ही करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके इतने तक फैला दूंगा ताकि एक ही लाइन में आ जाए, फिर जाऊंगा होम में जाके सेल में जाके जस्टिफाई कर दूंगा। जस्टिफाई क्या करता है, जो अलग अलग सेल में पड़ा होता है वो एक सेल में ले आता है, तो एक सेल के अंदर आपका डाटा आ गया ये सारा। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, इसको इन्वर्टेड कॉमा लगाने, फॉर्मूला के अंदर इन्वर्टेड कॉमा लगाने होते हैं। तो क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे स्पेस कॉमन है, तो मैं इसको स्पेस से यहाँ पे स्पेस दे दूंगा फाइंड में और रिप्लेस कर दूंगा इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस कर दूंगा, तो देखूंगा इन्वर्टेड कॉमा मेरे आ चुके हैं इसमें, और एक यहाँ आगे आया, यहाँ पे नहीं आया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, पीछे नहीं आया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं। ठीक है जी, तो मेरा वैल्यूज तैयार है, चूज का फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है जी, इंडेक्स नंबर मैं यहाँ से चूज कर लूंगा,
अब देखिए वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, वैल्यू फोर में सारे अपने ले चुका है, 12 वैल्यू तक ये ले चुका है। ठीक है जी, अब इसको क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो रेफरेंस में यहां से सामने वाली सेल से ले रहा हूँ, अब जब मैं ड्रैग करता हूँ तो अपने आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नंबर के ऊपर, अगर मैं यहाँ दो करूं तो फरवरी आ जाएगा, चार, हर एक चीज अपने आप बदलती है। ठीक है जी, जो रेलेवेंट मंथ नेम है ये अपने आप ले लेना है। ठीक है जी, चूज का यूज यहां भी किया जा सकता है। देन और देखते हैं इसमें एक फॉर्मूला होता है अपने पास रो का, रो में अगर आप खाली रो डालते हैं तो वो करंट रो नंबर रिटर्न करेगा, जैसे ये है सात है तो सात रिटर्न कर रहा है। यहां पे रो डालूंगा तो यहां पे रिटर्न कर रहा है। और अगर आप इसमें किसी कोई रेफरेंस देते हैं तो ये उस रेफरेंस का रो नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है जी, छह कर दिया तो ये रेफरेंस रिटर्न कर रहा है मुझे नंबर्स में। ठीक है जी, इसी तरह से हमारा कॉलम का फंक्शन होता है, कॉलम का फंक्शन अकेला लगाएंगे तो करंट कॉलम नंबर करेगा, कोई इसमें रेफरेंस दे देंगे तो उस रेफरेंस का कॉलम नंबर आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसका यूज कहां कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई डेटा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई डेटा है, इसके आगे नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं कर देता हूँ, रो डाल देता हूँ और नीचे तक इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब रो नंबर आ गई, अब इसमें क्या खास बात है सीरियल नंबरिंग में। ठीक है जी, इसमें क्या है कि जब आप कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसको बीच में से भी डिलीट अपडेट करते रहते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए मैंने यहाँ सात से नौ तक कर दिया तो नॉर्मल सीरियल में क्या है आपको बार बार ठीक करना पड़ता है उसे, बट इसमें अगर मैं डिलीट करता हूँ तो आपके वो बिगड़ती नहीं है, सीरियल बिगड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रो नंबर तो वही रहेगी, बेशक आपने डिलीट कर दिया पर रो नंबर तो वही रहेगी, तो रो नंबर के कारण सीरियल नहीं बिगड़ रहा हमारा। बट आप कह रहे हैं कि चलो इस तरह से थोड़ी डेटा होता है हमारा, कई बार क्या होता है कि हम हेडिंग ही यहीं से शुरू कर दें। ठीक है जी, नेम यहां से शुरू कर दिया और सीरियल नंबर यहां डाल दिया। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर वाली डिजिट माइनस कर देंगे, माइनस सिक्स कर दीजिए। ठीक है जी, आपके जो है इसको ड्रैग कर दीजिए, अब यहां से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, बीच में से कोई डिलीट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं जा रहे। पर थोड़ा सा डायनेमिक बनाना चाहते हैं कि जब यहां वैल्यू डालें तभी आए, ठीक है जी, नंबर तभी नंबर दिखाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ, रो सिक्स वाला इक्वल टू से पहले, और इससे आगे कर देता हूँ इफ कि अगर नेम अगर इक्वल टू ब्लैंक है तो क्या करें, यहाँ ब्लैंक रखे अदरवाइज ये फॉर्मूला चलने दे जो हमने लगाया था, इफ के फॉर्मूले के अंदर लगा दिया। अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ जहां तक ड्रैग करना है। तो अब खाली है, बट जैसे ही मैं नाम डालता जाता हूं यहां पे नंबरिंग आती जा रही है। ठीक है जी, ऐसा ही कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑटो नंबरिंग हो गई। तो ऐसे ही लॉजिक बना बना के हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, ऑटोमेशन में सबसे ज्यादा काम आते हैं। देन आगे देखते हैं फॉर्मूला, एक है कॉलम, एक है कॉलम्स, एक है रो, एक है रोज। तो कॉलम्स क्या करता है, किसी भी सिलेक्शन में से हमें कितने कॉलम सिलेक्टेड है वो निकाल, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसके अंदर कितने कॉलम आ रहे हैं, चार आ रहे हैं तो ये चार दे देगा। इसी तरह रोज है कि कितने सिलेक्शन में कितनी रोज है वो हमें निकाल के दे देगा, जैसे यहाँ पांच है पांच दे देगा। ठीक है, रोज कॉलम।
इसके बाद एक हाइपरलिंक का फॉर्मूला। हाइपरलिंक का क्या होता है कि वैसे हाँ मैंने, इनका हाँ जी जी, हाँ जी इसका एप्लीकेशन हो सकता है रोज और कॉलम्स का। रोज और कॉलम्स का, जैसे अभी तो इनका जो एप्लीकेशन है उसमें डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, वैसे तो मोस्टली ये एरे के फॉर्मूला के साथ यूज होते हैं, ठीक है जी। और वैसे ये ऑटोमेशन में यूज होते हैं कि कई बार आपको डायनेमिकली पता लगाना पड़ता है कि कितने रो हैं, ठीक है जी। एड्रेस से हमने पता लगा लिया कि कितना डेटा था, ठीक है जी, उसके अंदर कितने रोज आ रहे हैं, खाली रोज निकालने और उसकी एंट्री कहीं और करानी है, तो बीच में ये ऑटोमेशन में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग में आ जाता है, ठीक है जी। इसका फंक्शन समझ रखिए, यूज जैसे आपको पड़ेगा ये अपने आप दिमाग में आ जाएगा आपके कि हाँ ऐसा फंक्शन, इसको भी इफ में डाल के कर सकते हैं ना, हाँ कर इफ। सकते हाँ हैं, कहीं पे भी ठीक है, कर सकते हैं, समझ लिया समझ लिया। ठीक है जी। अभी यदि मैं यहाँ पे डाल दूँ, क्या कहते हैं, पूरा ए सेलेक्ट कर लूँ, पूरा ए कॉलम, और इफ कर दूँ ब्लैंक, कुछ भी ना काउंट करे, ये करा सकता हूँ। क्या चीज क्या करवाना चाह रहे हैं, अब देखिए, एक ए कॉलम में जहां जहां वैल्यूज है केवल उसको काउंट करके दे। एक कॉलम में जहां जहां वैल्यूज है उस, ए कॉलम में, ए ए हाँ फॉर अल्फा, अल्फा कॉलम में जहां जहां वैल्यूज है केवल वो काउंट करके दे। तो ये रोज वाले कॉलम से करा सकते हैं ना, वैसे तो काउंट के तो कॉलम, पर काउंट से भी करा सकते हैं वो काम, तो हम काउंट है सब, इसीलिए ओके एक ही काम के लिए बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है जी। अब मान लीजिए हाइपर लिंक है, अब मुझे, मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करूँ तो गूगल खुल जाए, इस पे क्लिक करूँ तो फेसबुक खुल जाए, इस पे क्लिक करूँ जीमेल खुल जाए, रेडी खुल, इस तरह से। तो इसमें क्या करना पड़ता है, मुझे कंट्रोल के बार बार करना पड़ता है, हाइपर लिंक इसमें सेट करना पड़ता है, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ एक ही बार में कोई जुगाड़ लगाऊं कि हो जाए, तो इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं हाइपर लिंक का फंक्शन यूज कर सकता हूँ, ठीक है जी। लिंक लोकेशन, लिंक लोकेशन जैसे HTTP, नॉर्मली इसको कॉपी करके ला सकते हैं आप किसी से भी, जैसे किसी भी वेबसाइट से, गूगल से मैं इसका वो ले आया, गूगल खुल गया, तो ये जो मेरा है इस तरह से है, ठीक है जी। तो मैंने क्या करना है, थोड़ा सा ऑटोमेट कर देना है, तो पहले इसका रिमूव हाइपरलिंक कर दूं मुझे, क्योंकि इस पे क्लिक करते ही चला जाएगा, इसको फंक्शन के अंदर डाल सकता हूँ मैं हाइपरलिंक पे, ठीक है जी। पहला मांगता है लिंक लोकेशन, तो लिंक लोकेशन हमें देनी होती है टेक्स्ट में, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में देनी पड़ती है। फ्रेंडली नेम की क्या दिखाना चाहते हैं, तो मैं इस पे लिखा देता हूँ क्लिक मी कर देता हूँ, ठीक है जी, ये नेम आ जाता है। अब दूसरा, अब हर एक की तो चेंज नहीं करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंकेटिनेशन का ट्रिक कर देता हूँ कि इस सेल को कंकेटिनेट कर दे, यहां से गूगल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। एंड तो ये मैंने वो कर दिया, यहाँ डॉट को डॉट इन की जगह डॉट कॉम कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं जब फंक्शन को ड्रैग करूंगा, तो क्या है कि इस पे क्लिक करूंगा तो ये सीधा जाएगा, गूगल खोलेगा, ठीक है जी। किसी और को क्लिक करूंगा, मान लीजिए जीमेल वाले को, तो जीमेल खुलेगा, ठीक है जी, जीमेल खुल रहा है, तो लिंक आपके डायमनी में खो जाते हैं इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना हो तो मैं क्या करता हूँ, बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ, इसको उठा के मैं कर देता हूँ उसमें डेटा वैलिडेशन में, डेटा में जाके, यहाँ डेटा वैलिडेशन में लिस्ट मैंने एक चूज कर ली, तो यहां से ये लिस्ट में आ गया, ठीक है जी। तो अब जो भी चीज सिलेक्ट करूंगा ये वहीं जाएगा,
जो रेडिफ डॉट कॉम ऊपर आ रहा है, रेडिफ ठीक है, तो ये उसी लिंक पे जाएगा जो जहां इसको जाना चाहिए। फेसबुक पे जाना है मैंने, तो लिंक भी आपका डायनेमिकली चेंज हो जाता है। अब ये ऊपर आ रहा है ना फेसबुक, फेसबुक पे तो इस तरह से आप हाइपरलिंक को भी डायनेमिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है, आपने एक ट्रांसपोज का फंक्शन देखा होगा, डाटा में बनाते हैं जैसे रो टू कॉलम, कॉलम टू रो करते हैं ना, कंट्रोल सी करके फिर स्पेशल में गए ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज हुआ, ट्रांसपोज क्लिक करता हूं तो ये ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से एक ट्रांसपोज हमारे पास फंक्शन भी है। फंक्शन और नॉर्मल ट्रांसपोज में क्या फर्क है? जैसे मैं बांछे ले लेता हूँ यहाँ, उसको सिलेक्ट करके, ये फंक्शन जो लगता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर से लगता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे ही वैल्यू चेंज होती है तो फॉर्मूला है वैल्यू। हेलो हेलो, हाँ जी पप्पू, हेलो सर संदीप, हेलो, हाँ जी सर बोलिए। हाँ सर, ये कहने जैसे मान के लिए अगर इसको इसको अगर फिर दोबारा हम देखना चाहिए, ट्रांसपोज का देखा, देन इसमें आगे चलते हैं अपने एक्चुअल लुकअप के फंक्शंस पे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा डेटा चाहिए, वी लुकअप को देखते हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, सेल्स, तरह से डेटा बना दिया मैंने और इनके हर एक की एम्प्लॉय आईडी अलग अलग दे दी। ये बंदे भी अलग अलग हो गए, मान लीजिए ये डेटा है मेरे पास, वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप मोस्टली किस लिए यूज होता है कि जैसे आपके पास काफी सारे एम्प्लॉय, आप बड़ी कंपनी चलाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके पास काम करते हैं, क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को जानना बड़ा मुश्किल होता है कि आपको जैसे कुछ का इंक्रीमेंट लगाना है, मान लीजिए 10,000 एम्प्लॉयज है तो 2,000 का इंक्रीमेंट लगाना है। अब 2000 के आपको क्या दिए दी गए एम्प्लॉय आईडी, तो पहले उनका डेटा निकालना पड़ेगा अलग से। अब डेटा कैसे निकालेंगे उनको, मैनुअल सिलेक्ट फिल्टर करके तो कर नहीं सकते, ठीक है जी। 5-10 हो, 12 हो, 50 तक हो तो आप मैनुअल कर सकते हैं, पर जहां हजारों में बात आ रही हो तो ये मुश्किल हो जाता है कि अलग से डेटा निकालना, ठीक है जी। मान लीजिए इसमें से मुझे कुछ एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए कि मुझे इनका ही डेटा चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वी लुकअप का फंक्शन यूज होता है। वी लुकअप और ये आईडी वाला सिस्टम है क्या एक्चुअली, एम्प्लॉय आईडी क्यों रखते हैं, क्योंकि एक नाम के कई सारे बंदे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे संदीप है, ये संदीप है, एक पलवल का रहने वाला है, एक सोनीपत का रहने वाला, अलग अलग बंदे हैं, ठीक है जी। तो कौन सा है, तो इंडिविजुअल पहचान के लिए हम लोग उनकी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करते हैं, यूनिक क्रिएट करते हैं, यूनिकनेस बनाते हैं। हर जगह यूनिकनेस बनाने के लिए ही आईडी का यूज होता है, ठीक है जी। तो जैसे आपके रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर भी इसीलिए दिए जाते हैं कि कौन से रोल नंबर में क्या क्या रिजल्ट आया, ठीक है जी। तो आप रोल नंबर लिस्ट मान लीजिए लगी हुई, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे कोने से देखेंगे कहाँ है रोल नंबर, ठीक है जी, यहाँ है, फिर देखेंगे कि क्या नाम था, फिर देखेंगे क्या था, मार्क्स क्या थे, इस तरह से उसके इधर इधर देखेंगे। तो इसी तरह का मेथड यूज होता है अपने वी लुकअप में कि आईडी पहले सर्च करता है, और हाँ एक रिस्ट्रिक्शन है, आईडी जो है आपकी जिसके बेस पे सर्च कर रहे हैं वो सबसे लेफ्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहें कि यहाँ पे कुछ डिटेल है और उसको लाना चाहें
वीलुकअप के थ्रू तो नहीं आ सकती, ठीक है जी। राइट साइड वाला डेटा नहीं आएगा इससे, तो इसका ध्यान रखेंगे कि आईडी हमेशा लेफ्ट में हो, ठीक है जी। बाकी इसके इधर वाला डेटा आप उठा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, इधर वाला उसको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा उठाना है, क्योंकि एक बार में एक ही डेटा ले जा सकता है वो, या तो नेम ले जाएगा, या सिटी ले जाएगा, या सेंस ले जाएगा, इन तीन में से एक ले जाएगा। तो इसको बताने के लिए इसमें कॉलम इंडेक्स का चक्कर रखा हुआ है कि जो आपका डेटा आपने सिलेक्ट किया है उसमें से कौन सा कॉलम इंडेक्स, आईडी वाला जो हो गया वो पहला हो गया कॉलम, नेम वाला दूसरा, सिटी वाला तीसरा, सेल्स वाला चौथा। तो जैसे अगर मुझे नेम चाहिए तो मैं वहां कॉलम इंडेक्स में दो दूंगा। तो फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं सीधे ही, इक्वल टू स्टार्ट करके वी लुकअप टाइप कर दिया। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू वही है जो आईडी वाला सिस्टम, आईडी ये क्या ढूंढना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद पूरी टेबल जिसमें ढूंढना है, मैं ऊपर से सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस इसमें आपको फ्रीज करना होता है इस डेटा को, ठीक है जी। फ्रीज का वही पैटर्न है कि जिसको बढ़ने से रोकना हो उसके आगे डॉलर लगाना है। कॉलम अगर बढ़ने से रोकना है तो कॉलम के आगे डॉलर, अदरवाइज रो के आगे डॉलर, ठीक है जी। टेबल एरे ले लिया, कॉलम इंडेक्स जैसा कि मैं बात कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, तो नेम का कॉलम इंडेक्स है 1, 2 सेकंड नंबर पे, तो 2 दे देंगे यहाँ पे। देन उसके बाद जो हमारा चौथा पैरामीटर होता है इसको हमेशा हम फॉल्स देंगे, ठीक है जी। फॉल्स या जीरो, एक ही बात है, जीरो दे दीजिए या फॉल्स दे दीजिए। फॉल्स पे क्या है, एग्जैक्ट मैच है, तो एग्जैक्ट मैचिंग का चाहिए आईडी, मतलब E003 लिखा है तो यहाँ से E003 का ही रिजल्ट थे। अगर नहीं मिलती तो E002 का ना दे दे, ट्रू अगर आप डालेंगे, ट्रू या वन डालते हैं तो अप्रोक्सीमेट देता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है जी। तो हमेशा फॉल्स रखेंगे इसके, ठीक है जी। तो हमने ये एक बना लिया, अब इसको ड्रैग कर दिया इस फंक्शन को यहाँ। अब सिटी के लिए हमें क्या करना है, डेटा लुकअप वैल्यू वही रहेगी, डेटा वही रहेगा, कॉलम इंडेक्स चेंज करना है खाली। तो कॉलम इंडेक्स कौन सा है सिटी का, 3, ठीक है जी, आ गया। और सेल्स का कॉलम इंडेक्स कौन सा है, 4, ठीक है। तो ये आपका एक डेटा आ गया। अब जब मैंने कॉलम इंडेक्स चेंज कर दिया, लुकअप वैल्यू ये यहां से उठाने वाला है, तो मैंने ड्रैग कर दिया, हर एक का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आपको, वी लुकअप, या इसमें कुछ डाउट है? हाँ जी पीयूष जी, क्लियर है, क्लियर है मेरे को, हाँ समझ आया आज क्या होता है। और एच लुकअप करके भी कोई चीज होती है ना, हाँ बताता हूँ कैसे होती है। जैसे आपने कॉलम में, जैसे वी लुकअप और इंडेक्स के फॉर्मूले में क्या अंतर है, जैसे मैंने किया इंडेक्स, रो मार दी और मैच करवा के डेटा निकाला, उसमें भी सेम डेटा आता है, तो कुछ डिफरेंस गिरता गया दोनों में? हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी मैंने जो आपको रिस्ट्रिक्शन बताई है ना वो मैच के साथ नहीं है, इंडेक्स मैच के साथ, ठीक है जी। वो मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे ही फंक्शन बता रहा हूँ आपको कैसे चलेंगे। पहले तो आपको वी लुकअप का ये समझ आ गया, ठीक है जी। अब लुकअप क्या होता है, वर्टिकल लुकअप, मतलब यहाँ पे पहले आपको आईडी ढूंढा, फिर इस तरह से इसने ये ढूंढ लिया, ठीक है जी, जो भी कॉलम नेम उठाने थे, कॉलम इंडेक्स उठा लिए। अब मान लीजिए आपको चीज यही चाहिए, यहाँ पे लेंगे, पर आपका डेटा थोड़ा सा अलग फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये डेटा ऐसे ना होके ट्रांसपोज में पड़ा हुआ है, ठीक है जी, सिस्टम बदल गया सारा। अब मुझे इस डेटा में से ये डिटेल फिल कर दो, ठीक है जी। पहले कॉलम में थी ये आईडीज, अब रो में आ गई है तो आईडी, ठीक है जी। तो यहां पे यूज होगा एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, पैटर्न सेम है, लुकअप वैल्यू इसमें भी आएगी, लुकअप वैल्यू में हमें वो लॉकिंग भी लगानी है वैसी की वैसी। टेबल एरे सेम वैसा ही आएगा, ठीक है जी, टेबल एरे को भी मैंने फिक्स कर दिया। अब वहां कॉलम इंडेक्स था, यहाँ पे रो इंडेक्स है, ठीक है जी। फर्स्ट रो ईआईडी, सेकेंड रो नेम, थर्ड रो सिटी, फोर्थ रो सेल्स, ठीक है जी। मैं यहाँ पे नेम है तो मुझे सेकेंड रो चाहिए,
और वही ट्रू फॉल्स वाला सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। ओके फिक्स कर दिया, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ और कॉलम इंडेक्स यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, थर्ड रो चाहिए, हाँ रो इंडेक्स चेंज कर देता हूँ, थर्ड रो है यहाँ पे, फोर्थ रो है, तो इसको ड्रैग करूंगा तो सेम, ठीक है जी। एच लुकअप वी लुकअप में बस यही अंतर है डेटा का, ठीक है सर। जी तो इसी तरह का बस ये है, एच लुकअप वी लुकअप आपको अलग अलग दिए हुए हैं, हालांकि इंडेक्स रो में ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, इंडेक्स वाले फंक्शंस में। अब इंडेक्स वाला दिखाता हूँ सेम इसी डेटा के, तो आगे चला जाता हूँ तो वहां पे आपको इंडेक्स का दिखाता हूँ, इंडेक्स कहाँ और कैसे यूज होता है। यहां से मैं डिलीट कर, अब देखिए पहले इंडेक्स का फंक्शन इंडिविजुअली क्या करता है। मान लीजिए मैंने इंडेक्स का फंक्शन यहां लगा दिया, इंडेक्स, ठीक है जी। इंडेक्स में पहली चीज मांगता है एरे, ठीक है जी, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे सिलेक्शन में कौन सा रो नंबर आपको चाहिए, ठीक है जी, तो मैंने कहा जो सिलेक्शन में है तो पहला रो नंबर ये हो गया E001, दूसरा ये होगा E002, तो मैं मान लो चौथा रो नंबर चाहता हूं तो ये आ गया E004, ठीक है जी। जी तो ये नंबर फाइंड करके दे रहा है कि रो नंबर किसी पर्टिकुलर डेटा में, ठीक है जी। मान लीजिए इसको बड़ा कर देता हूं तो अगर ऊपर से मारेगा तो E003 रिटर्न करेगा मुझे, ठीक है जी। अब मैच क्या करता है, मैच आपको ये जो रो नंबर है आपको मिलेगा कहां से, मैच जो है रो नंबर ही रिटर्न करता है, वी लुकअप के तरह का फंक्शन है, पर मैच जो है रो नंबर रिटर्न करता है। तो मैच कर दिया मैंने, लुकअप वैल्यू ये डाली और उसमें सेम मैंने वैसा ही सिलेक्शन दे दिया, ठीक है, ये सिलेक्शन दे दिया पूरा, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लेस देन ग्रेटर देन, तो एग्जैक्ट ही करते हैं हमेशा, ठीक है जी। अब ये बता रहा है कि ये जो E003 है आपके सिलेक्शन में फोर्थ रो में, ठीक है जी, तो ये फोर अगर मैं इसमें पास कर दूं, ये जो है वो मैं मैच से उठवा लूं, ठीक है जी, मैच से उठवा लूं, तो उस डेटा में इसका भी सिलेक्शन मैंने सेम रखा है और इसका भी सिलेक्शन सेम रखा है, तो यहां पे कोई भी आईडी हो, मान लीजिए E002 है, तो ये क्या करेगा, मैच वाला उसको फाइंड करेगा कि कौन से रो में है वो डेटा, तो इसने दिया थर्ड रो, और उसी डेटा से थर्ड रो जो निकाल के दिए हमारे इंडेक्स के फंक्शन ने निकाल के दिए, ठीक है जी। अब यहां पे एक ट्रिक खेलूंगा मैं, इसके पैरेलली मैं इसको नहीं सिलेक्ट कर रहा, अब इंडेक्स तो रो नंबर निकाल रहा है उसका डेटा से तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको यहां सरका देता हूं, ये जो डेटा है मैं ए की जगह बी कॉलम में कर देता हूं, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब यहां पे आप उसकी आईडी डालेंगे और उसका नाम आ जाएगा E003, ठीक है जी, क्योंकि वो पैरेलल में सिलेक्टेड है और इंडेक्स रो नंबर पकड़ रहा है। वी लुकअप का भी तो पैटर्न यही है कि ये आईडी पहले इसमें ढूंढी के कहां पे है, ठीक है जी, फिर ये रो नंबर रिटर्न कर रहा है। अब मैंने कहा कि इसमें कॉलम इंडेक्स तो नहीं होता, तो इसलिए पूरा डेटा इस, अब यहां से मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, मैंने कहा इसके इसने जो रो नंबर निकाली वही रो नंबर इस डेटा में से निकाल दो, तो इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है जी, समझ आया नहीं आया आगे। तो इसके साथ एक एडवांटेज क्या बढ़ जाती है हमारी, कि अगर मेरा डेटा दूसरी साइड भी हो, हालांकि वी लुकअप ये नहीं कर सकता, अगर मेरा दूसरी साइड भी हो तो ये मेरा रिजल्ट निकाल सकता है। मान लीजिए यहां पे डेजिग्नेशन डाल देता हूं मैं, ठीक है जी,
तो इसमें जो ये मैच में मैंने इंडेक्स में मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया था, मैंने क्या किया उसके और बगल वाला सिलेक्ट कर दिया, ठीक है जी, उसमें से अब ये मुझे वहां से निकाल के दे देगा E003 के अंदर AGM, ठीक है जी, वो निकाल के दे दिया, ठीक है सर। जी तो मैच का यूज समझ आया आपको। जी अब मैच का एक और क्रिएटिव यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आईडी सर्च करनी है, हम कॉलम इंडेक्स में क्या डाल रहे हैं, कॉलम इंडेक्स ही डाल रहे हैं, ठीक है जी, कॉलम इंडेक्स डाल रहे हैं। तो अगर मैं मैच के फंक्शन में ये सर्च करा दूं ऊपर वाला और इसका डेटा दे दूं कि ये बताओ कि ये कहां पे है, इसमें कहां पे है, ठीक है जी, सेम में दे दिया। इसके लिए मुझे डेजिग्नेट ये जो है फील्ड्स ये भी वैसी ही रखनी पड़ेगी, तो मैं इसको उठा के यहां रख देता हूँ, ठीक है जी। ऊपर की जब सबकी हेडिंग्स जो है वो सेम होनी चाहिए। अब मैं मैच का यूज कर सकता हूँ कि मैच में ऊपर वाली वैल्यू, अब इसमें क्या है, मैं ड्रैग करूं तो टू जो है अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहिए, सही रो वही रहेगी, कॉलम छोड़ दे सकते है ना, तो टू को मुझे लॉक करना पड़ेगा यहाँ। और लुकअप एरे में क्या करूं, मैं यहां से डेटा ले लेता हूं, ठीक है जी, सिर्फ कॉलम का ऊपर के कर दिया एग्जैक्ट में। जी तो अब इस केस में क्या कर रहा है ये, मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। हाँ डेजिग्नेशन का नाम सेम नहीं था इसलिए नहीं फाइंड कर पाए, बट सेम है तो आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इसको उठा के मैच वाला फंक्शन जो है इसको कॉपी कर लेता हूं और इसकी जगह एक फॉर्मूला दे देता हूं, वी लुकअप, ठीक है जी। ये वी लुकअप यहां दे दिया, इसको भी वैसे फ्रीज कर लूंगा जैसा मुझे चाहिए होता है, तो कॉलम फ्रीज करना है, रो नहीं, ठीक है जी। टेबल एरे मैंने फुल ले लिया जैसा चाहिए, ठीक है जी। अब कॉलम इंडेक्स में मैं वो मैच का फंक्शन पेस्ट कर देता हूँ और इसमें वी लुकअप में हमेशा फॉल्स ही होता है, तो जीरो दे दिया, ठीक है जी। तो मैंने सिर्फ एक बार फंक्शन लगाया ये और इसको बस मैंने ड्रैग किया, आपका फुल रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। हर एक में कॉलम इंडेक्स ही तो चेंज करना है, और मान लीजिए आपके पास कॉलम ही बहुत सारे हैं, 50-60 है, तो हर एक का कॉलम इंडेक्स थोड़ी चेंज करते रहेंगे, तो सबसे इजिएस्ट वे है एक फॉर्मूला लगाया और आपका सारा रिजल्ट अकॉर्डिंग टू, ठीक है जी। अब इंडेक्स मैच के थ्रू देखते हैं कि इंडेक्स मैच के थ्रू ये कैसे कराया जाता है। ये तो मैंने मैच का यूज किया, वी लुकअप में ही कर दिया, ठीक है जी। अब इंडेक्स मैच क्या करना है, इंडेक्स में सबसे पहले आपको रिजल्ट क्या चाहिए, नेम से चाहिए, तो नेम वाला एरे सबसे पहले दे देंगे। हाँ ये पैरेलल ही होना चाहिए, जितना इसमें सेलेक्ट करना है बाकी भी उसमें ही होना चाहिए। ये इंडेक्स को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलेंगे इसमें, इसमें मैं रोज को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है जी। देन उसमें मुझे चाहिए रो नंबर, रो नंबर आपको पता है मैच के फंक्शन से आएगा, तो मैच, ठीक है जी। अब यहां देनी है लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू दे दी, ठीक है जी। इसको भी फिक्स करना है मुझे, कॉलम को फिक्स करना है, ठीक है जी। देन लुकअप एरे, अब आईडी जो सर्च होगी अपने आईडी के ही कॉलम में होगी, तो मैंने आईडी के लिए भी पैरेलल में यही सिलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। हाँ ये फुल्ली फिक्स कर देता हूँ क्योंकि जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये बी का सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईडी तो वही ढूंढता रहेगा, ये वाला चाहिए। नेम वाला करूं तो सिटी में आ जाए, मतलब सी का डी हो जाए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। इसीलिए मैंने खाली रो लॉक कर लिया, मैच टाइप जीरो और ये फंक्शन क्लोज, ये भी सेम आपका वैसे ही काम करेगा जैसे कि आपके वीडियो का प्रिंट हुआ, ठीक है जी। तो इंडेक्स मैच का क्लियर है आपको जी। इंडेक्स एक और तरह से काम करता है, अभी मैंने खाली रो नंबर से कराया है। इंडेक्स को आप मल्टीपल डेटा भी ले सकते हैं, मतलब इस तरह से भी डेटा ले सकते हैं, बट उस केस में इसको क्या चाहिए, रो नंबर और कॉलम नंबर, क्योंकि डेटा तो एक ही है। मैंने कहा कि तीसरे रो नंबर से दो नंबर कॉलम की वैल्यू निकालो, ठीक
ठीक है जी, तो ये वो वैल्यू निकाल देगा, ठीक है जी। तो जहां आप मल्टीपल डेटा है इस तरह से सिलेक्ट करें मल्टीपल कॉलम्स के साथ, तो वहां पे आपको कॉलम नंबर भी देना होता है, ठीक है जी। और इसके इंडेक्स जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे चालू होते हैं, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है जी। अब आगे देखते हैं, तो मैच देख लिया, अब एक ऑफसेट देखते हैं। ऑफसेट भी ये लगा लीजिए इंडेक्स का ही भाई है, पर ऑफसेट के साथ थोड़े से और काम भी हो जाते हैं। ऑफसेट में डिफरेंस क्या होता है यहाँ के ऑफसेट और वीबीए के ऑफसेट में? यहाँ के ऑफसेट वीबीए के ऑफसेट में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऑफसेट सिर्फ क्या होता है, इन सारे फंक्शन में ना आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है, ऑफसेट में खाली पॉइंटर देना पड़ता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, पहले मैं ले जाके डेटा दूसरे पेज पे कर लूँ, तो वो करने क्या वाला है वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नंबर ही ले लेते हैं, यहाँ पे भी नंबर ही ले लेता हूँ, इनको चाहे अलग अलग हेडिंग्स ले लेता हूँ, ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है जी। ऑफसेट इंडेक्स जो है 1, 2, 3, 4 करके चलता है, ऑफसेट 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। तो ऑफसेट में क्या होता है, पहली चीज होती है इसके आपको, एक होता है इसमें रो नंबर, एक होता है कॉलम नंबर, ठीक है जी। इन दोनों को मैं यहां से लूंगा, ठीक है जी, इसको यहां से लूंगा और रिजल्ट यहां दिखाता हूं नीचे। तो ऑफसेट का फंक्शन लगाता हूं, रेफरेंस रो कॉलम, रेफरेंस होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया ये, ठीक है जी, A1 दे दिया। फिर आपसे मांग रहा है रो और फिर आपसे मांग रहा है कॉलम, हाइट विड्थ की अभी बात नहीं करेंगे, रो कॉलम को देखते हैं, ठीक है जी। तो अभी यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो, ठीक है जी। तो जीरो रो जीरो कॉलम दिखा रहा है, अब मैं बोलता हूं एक रो फर्स्ट रो, तो ये क्या करेगा, ये जो रेफरेंस है इससे जब मैंने एक रो डाला तो वो एक नीचे उतर आया, ठीक है जी। अब मैं यहां पे डाल देता हूं सेकंड कॉलम, तो जीरो ये वाला था, ठीक है जी, जीरो ये वाला था कॉलम में, 1, 2 सेकंड कॉलम आ गया, और रो कौन सी है, 1, ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है, समझे। इसमें मैं डेटा पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खाली स्टार्टिंग पॉइंट से वो रो कॉलम गिनकर अपने रिजल्ट पे पहुंच जा रहा है, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं फोर्थ कॉलम और यहां से बोलूं सिक्स्थ रो, तो ये क्या होगा, जीरो यहां से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, फिर आगे सिक्स्थ कॉलम, तो सिक्स्थ रो, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यही वाली वैल्यू आ रही, ठीक है जी। इंडेक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, मैच के साथ भी इसको, बट इसमें आपको हेडिंग एक्सेप्शन करनी पड़ेगी, +1 करके एडजस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो से हो रही है, तो इसमें रो कॉलम जो है उसमें +1 करके भी फॉर्मूला में देके उसको लिया जा सकता है, ठीक है जी। सेम काम उससे भी कराया जा सकता है। देन अब क्या करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि अपने पास एक हाइट और विड्थ भी है इसमें, ठीक है जी। तो मैं इसको कह देता हूं कि हाइट दो विड्थ दो, ठीक है जी, और इसके रेफरेंसेस यहां ले लेता हूं, ऑप्शनल है दे भी ना, ठीक है जी। हाइट रो विड्थ दो, ये बेसिकली अरे होता है। तो अभी ऐसा है कि फोर्थ कॉलम तो यहां पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं सेकंड कॉलम, ठीक है जी।
और ये ऐसे रिजल्ट नहीं दिखाएगा, 2 बाय 2 का मतलब है ये एरिया ऐसे। तो F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो ये मुझे वो वाला रिजल्ट दिखा रहा है। हाइट 2 का मतलब क्या है, पहले ये आएगा सेकेंड कॉलम में 0, 1, 2, ठीक है जी, फिर 6 रो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ आया। फिर उसके बाद 2 हाइट, इसने 2 सेल सिलेक्ट किए, फिर 2 विड्थ, 2 कॉलम सिलेक्ट कर दिए विड्थ, ठीक है जी। तो यही डाटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है जी। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो, और इसमें इसको क्या करते हैं कि ये एरे रिटर्न कर रहा है इसलिए मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर लगाना पड़ रहा है यहाँ, वैसे ये एरर दिखाएगा। पर एरे हैंडलिंग किसी भी फॉर्मूला में अगर हम डलाएं तो रिजल्ट भी आए। सपोज मुझे इन सब का सम करना है कि जो वो रिटर्न कर रहा है, तो सम के अंदर मैं ऑफसेट का फॉर्मूला लगा देता हूँ, रेफरेंस वही चूज कर लेता हूँ, रो कॉलम हाइट विड्थ, ठीक है जी। तो अब ये मुझे इनका रिजल्ट दिखाएगा। तो 73 से ये हमने देखा था, तो इसका जो आप देख रहे हैं सम आ रहा है 165 यहाँ पे, वही रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ 3 कर देता हूँ तो 261 आ रहा है, तो यानी कि इससे ये 3 विड्थ हो गई तो 261 यहाँ रिजल्ट आ रहा है, वही आपका सम में आ रहा है, ठीक है जी। हाइट का कॉन्सेप्ट समझ आया, हाइट विड्थ का क्या है, हाइट 3 बढ़ा देता हूं तो ये क्या करेगा, 3 सेल सिलेक्ट करेगा और यहाँ 3 विड्थ है 3 कॉलम, तो इनका 324 ये 324, ठीक है जी। जी यहां तक क्लियर है, तो बाकी के जो फंक्शन है एक हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जैसे लुकअप वगैरह, ये लुकअप थोड़ा सा अलग है, और वी लुकअप में टू का यूज कब करेंगे वो दोनों एक साथ करेंगे, और कुछ इसके फंक्शंस भी किसी तरह से, लुकअप रेफरेंसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे, ठीक है सर जी।